जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल स्टार्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी और ये उस वक्त सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिलों को गहराई से छुआ था। वहीं फैंस इस फिल्म के सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में फैंस को ट्रीट देते हुए मेकर्स ने आज साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का टीजर जारी कर दिया है। जी हां, एक बार फिर तारा सिंह पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गदर 2 के मेकर्स ने फिल्म के टीजर को आउट कर दिया है और गदर 2 के इस टीजर ने सच में गदर मचा दिया है। वहीं इस टीजर की शुरुआत एक डायलॉग के साथ होती है जिसमें एक फीमेल वॉइस में डायलॉग शुरू होता है। डायलॉग में कहा गया है कि वो दामाद है पाकिस्तान का, उसे टीका लगाओ, नारियल दो, वरना वो दहेज में पूरा पाकिस्तान ले जाएगा। जिसे सुन आपको सनी देओल की पुरानी फिल्म वाला दौर नजर आ जाएगा और फिर डायलॉग के बाद सनी देओल नजर आते हैं। वहीं अंत में एक्टर काफी इमोशनल नजर आते हैं। दरअसल इस सीन में सनी देओल के पास दो डेड बॉडी नजर आती हैं और वह नम आंखों के साथ हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आते हैं। वहीं इस टीजर को देखने के बाद सनी देओल के फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ गया है। गदर 2 के इस टीजर ने अब लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद अब फैंस को गदर 2 के ट्रेलर का इंतजार है। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में लगने वाली है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।